थैंक यू सो मच वीडियो सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। हम लोग अपने अभी तक 175 क्वेश्चन देख लिए हाइड्रोकार्बन के लेवल 2 के, ठीक है। अब हम लोग वापस से देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है बेटा, और वही हमारा एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और छोटी छोटी ट्रिक्स से हम लोग क्वेश्चन को ज्यादा नॉलेज के बिना भी हम सॉल्व कर सकते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। कुछ भी अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करके प्लीज बताओ, वो मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, बुक को रखते हैं साइड में, क्वेश्चन को ले लेते हैं हाथ में। अब क्वेश्चन नंबर 175 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 176 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 आपके सामने क्वेश्चन आ चुका होगा, क्या दे रखा है आपको, बहुत सारी लंबी सी रिएक्शन दे रखी है, इसको देख के डरना नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन आप विदाउट टचिंग अ पेन सॉल्व कर सकते हो, कैसे, एक छोटा सा ट्रिक है बेटा इसके अंदर, एक चीज नोट करना, जो लास्ट स्टेप आपको दे रखी है उसने क्या दे रखा है, एन ए इन लिक्विड अमोनिया, क्या दे रखा बेटा, एन ए इन लिक्विड अमोनिया। अब बच्चा जानता है कि एन ए इन लिक्विड अमोनिया क्या होता है बेटा, वेरी गुड, बर्च रिडक्शन। अभी क्या होता है बेटा, ये होता है बर्च रिडक्शन, और बर्च रिडक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, ये हम सब जानते हैं। बर्च रिडक्शन क्या करता है, अगर हमारे पास एक अल्काइन है तो ये कन्वर्ट कर देता है उस अल्काइन को किसके अंदर, ट्रांस अल्किन के अंदर, मतलब कि इसका इस अल्किन का ये ग्रुप और ये ग्रुप कैसा रहेगा, एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। कौन सी अल्किन मिलती है हमको मेजर, ट्रांस अल्किन मिलती है। अब आप खुद सोचो कि इतना बड़ा प्रोसेस करने के बाद जो लास्ट स्टेप है वहां पर उन्होंने एन एन लिक्विड अमोनिया दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि अल्किन क्या होनी चाहिए हमारी, ट्रांस अल्किन बननी चाहिए। तो देखो बेटा ऑप्शन बी, देखो ऑप्शन बी के अंदर क्या दे रखा है आपको, एक ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं कि भाई जब लास्ट स्टेप में आपने बल्क रिडक्शन डाला हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बच गया, ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन होना है डबल बॉन्ड के अंदर, तो ये तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन बी तो गया बेटा तेल लेने, ठीक। अब ऐसे आप देखो बेटा ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन ए में डबल बॉन्ड की पोजिशन देखना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इस तरीके से ये रिंग बनी हुई है। अब ये देखो डबल बॉन्ड के ये दोनों ग्रुप का है बेटा सेम साइड पे, तो ये कौन सी अल्किन है बेटा, सिस अल्किन है। वरना आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे, उनकी पोजीशन भी क्या बेटा सेम साइड पे, तो ये सिस अल्किन है, बट लास्ट स्टेप में तो क्या बननी चाहिए, ट्रांस अल्किन। तो बेटा ऑप्शन ए भी क्या काम पे, तेल लेने। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, हो भी सकता है बट इस क्वेश्चन में नहीं है। और ऑप्शन सी बेटा ध्यान से देखना, ऑप्शन सी के अंदर आप देख सकते हो कि अल्किन कुछ इस तरीके से दे रखी है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, ये अल्किन इस तरीके से, ठीक, ये पूरा रिंग का पार्ट है और ये ट्रांस अल्किन है, इसका अपना ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। पीछे आंसर बी दे रखा है जो कि क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक। अभी हम देखते हैं क्यों इनकम्प्लीट है, बिकॉज उन्होंने क्या किया है कि लास्ट वाली जो रिएक्शन है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया वो परफॉर्म ही नहीं की है। अब वो परफॉर्म नहीं की इसलिए उन्होंने बी आंसर दे रखा है, बट जब आप जो बी वाला प्रोडक्ट है उसको जब ट्रीट करवाओगे, हाँ वेरी गुड बेटा, जो बी वाला प्रोडक्ट है जब उसको ट्रीट करवाओगे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ, जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, ठीक। देख लेते हैं, तो हमको इन जनरल हमने डिस्कस किया कि विदाउट, मतलब ऐसे जो इजी क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ा सा ऑप्शन फ्रेम करने में दिक्कत हो जाती है मतलब एग्जामिनर को, तो क्या होता है हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने किया हुआ है। और बेटा एक बात याद हमेशा रखना कि आप लोग को सारी वीडियोस एक सीक्वेंस में देखनी है, बिकॉज अगर आप सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो आपको फायदा नहीं मिलने वाला इस वीडियो सीरीज का, एक एक क्वेश्चन देखना है, ठीक है बेटा। और कोई भी डाउट होता नीचे कमेंट करके पूछो, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, ठीक है बेटा। अब स्टार्ट करते हैं, आपको एक एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल दे रखा है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसको रिएक्शन कर रहा है वो के एन एच टू के साथ। अब हम सब जानते हैं बेटा क्या होता है, के एन एच टू क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, हमको क्या देता है बेटा, के पॉजिटिव और एनएच टू नेगेटिव, ठीक है। अब एनएच टू नेगेटिव क्या करेगा बेटा, ये एनएच टू नेगेटिव यहां से और यहां से एसिडिक हाइड्रोजन उठा लेगा, क्योंकि एसपी से एसपी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन, बहुत सिंपल है। तो हमको क्या मिल जाएगा, कार्बन नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नेगेटिव, सिंपल बेटा, ये स्पीशीज हमको मिल गई, तो ये तो बन गया हमारा ऑप्शन ए। बट ये बनने के बाद उसने देखो एरो के ऊपर आपको एक और चीज दे रखी है कि सी एच टू 8 टाइम्स और 2 डाइक्लोरो का डेरिवेटिव दे रखा है, बना लेते क्या लिखा है, मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा, देखो बेटा सी एच टू, सी एच टू 6 टाइम सी एच टू सी एल, यहाँ पे सी एल कुछ नहीं है, दो सी एल सी एच टू अंदर थे, बाहर एक्सपेंड करें, देखो बेटा 1 डिग्री कार्बन, कार्बन है न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा सबस्ट्रेट है, अटैक मारेगा यहां से सी एल बाहर लिविंग ग्रुप की तरह, ये देखो यहां से ये अटैक मारेगा और यहां से सी एल बाहर लिविंग ग्रुप की तरह, मतलब मेनली क्या होने वाला है, 1, 6, 7, 8, 9, 10 10 कार्बन की चेन बनने वाली है और 10 कार्बन की चेन के अंदर हमारा क्या आने वाला है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं चेन, तो इस तरीके से बना लो, दबड़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिंपल है।
अब क्या करना है, मुझे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, कहीं भी एक पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूँ। और देखो इसको वैसा ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए आपको इसको सीधा बनाना चाहिए, क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल होता है, पर मैं काम करता हूँ ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली इधर बनाता हूँ, ठीक है। सिंपल हमारा मॉलिक्यूल बन गया। फिर क्या बोलता है कि इस मॉलिक्यूल ए, ये जो मॉलिक्यूल ए बना, इसके अंदर H2PD इन प्रेजेंस ऑफ CaCO3, मैंने आपको पहले बता रखा है H2PdCaCO3 मतलब क्या, रिडक्शन चूना लगा के, CaCO3 बोले तो चूना लगा के रिडक्शन करना है। अब चूना लगाने का मतलब क्या होता है, CaCO3 ने H2PD को पॉइजन कर दिया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड का बस अल्किन तक रिडक्शन होगा, अल्किन का फर्दर रिडक्शन अल्किन तक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो पॉइजन कैटलिस्ट है, उसकी रिएक्टिविटी CaCO3 जो की सॉल्ट है उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसका रिडक्शन करोगे, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे H2 लिखता हूँ, तो क्या होगा, सिंपली यहाँ से बॉन्ड चले जाएगा और यहाँ पे दो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, कहां से, सेम साइड से, सिंगल एडिशन हो जाएगा बेटा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ, मैं आप लोग यहीं पे सब करके दिखाता हूँ। इसकी रिएक्शन हमको करवानी है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक डबल बॉन्ड के अंदर हमको Br2 और CCl4 मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो डबल बॉन्ड का अंदर अगर अल्किन के अंदर ब्रोमीन ऐड करूंगा तो क्या होगा बेटा, एंटी एडिशन। सिंपल है, दोनों कार्बन भी क्या लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, सिंपल। तो हम वैसे क्या करेंगे, देखो डबल बॉन्ड हटाया यहाँ से, एक ब्रोमीन यहाँ पे लगाया और एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन को करवाता है KNH2 दो मोल के साथ। अभी तो हमको भी पता पड़ा KNH2 दो मोल क्या करता है, देखो मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन करके दिखा दूंगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक। अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्शन KNH2 के साथ करा दूं, क्या होता है, KNH2 हमको देता है NH2-, ये NH2- यहां से एक अल्फा बीटा हाइड्रोजन उठाता है, फिर यहां से हाइड्रोजन के बॉन्ड यहां शिफ्ट होते हैं, यहां से ब्रोमीन निकल जाता है। रेगुड़ा एक हाइड्रोजन गया, डबल बॉन्ड आया, ब्रोमीन निकल गया, वैसे ही क्या होगा, एक और NH2 का नेगेटिव का मॉलिक्यूल यहां से H+ को उठाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यहां से ब्रोमीन बाहर, मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, एक डबल बॉन्ड दूसरा डबल बॉन्ड, मतलब कितना डबल बॉन्ड आएगा बेटा, तीन डबल बॉन्ड, और ये H और H, मतलब सिंपल क्या हुआ बेटा कि जो डायब्रोमो कंपाउंड था वो कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, अल्काइन के अंदर, मतलब कितने बार, दो बार एलिमिनेशन हुआ और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो वैसे ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इस तरीके से आप H प्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे देखो H होगा ही होगा, है ना। तो KNH2 क्या करेगा, इसको निकालेगा, ये वाला बॉन्ड निकल गया यहाँ से, ये बाहर से निकल गया बाहर, ठीक, नहीं सॉरी आप क्या करो यहां से निकालो, ठीक, बिकॉज वो दूर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इस भाई साहब ने, इस भाई साहब ने इसको उठाया, ये यहाँ पे गए यहाँ से ब्रोमीन बाहर, फिर इसी भाई साहब ने इसको उठाया, ये यहाँ पे गए और यहाँ से ब्रोमीन बाहर, मतलब दोनों ब्रोमीन बाहर, दो H बाहर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। सिंपल सी बात बेटा, देखो क्या हो जाएगा, इस तरीके की रिंग बना लो आपकी, सॉरी 10 नंबर की रिंग है, छोटी रिंग बनती है, ठीक बेटा। यहाँ पे ये इस तरीके से, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आना होगा, फिलहाल के होल्ड पे रखो, ट्रिपल बॉन्ड के रिडक्शन करवाएगा, फिर वो किसके साथ, जो ऑप्शन डी बनेगा बेटा, उसमें क्या यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है, ठीक। फिर इसका रिडक्शन करवा रहा हो बेटा किसके साथ, Na इन लिक्विड अमोनिया, और ये सब हम जानते हैं कि क्या होता है, बल्क रिडक्शन, और बल्क रिडक्शन में ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड क्या बनता है बेटा, ट्रांस अल्किन, कैसा अल्किन, ट्रांस अल्किन, मतलब की अगर ये हमारी अल्किन है तो इस अल्किन का एक पार्ट यहाँ पे, तो दूसरा पार्ट यहाँ पे, देखो ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के साथ दिख रहा है ट्रांस, तो ये क्या बन गया, माइन ट्रांस अल्किन, और ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, जो कि क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो करेक्ट कर लेना आंसर की में, आंसर की में बी दे रखा है, उन्होंने बस यहाँ पे स्टॉप कर दी रिएक्शन, ये वाला उन लोग करना भूल गए थे, ठीक। तो इसी तरीके से मेरे सर गलतियां ढूंढते जाएंगे और आप उसको सुधारते जाना। अब 176 रन बेटा, अब बेटा 176 रन 177 देखते हैं, ठीक। थर्टिकल क्वेश्चन है, वापस से बिना पेन टच किए आप बता सकते हो, आपको क्या दे रखा है कि विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग टू डिस्टिंग्विश कंपाउंड 3 फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंपाउंड। अब एक बात समझो बेटा, जो कंपाउंड 3 है वो बाकी से किस तरीके से अलग है, वो आप देख के अगर पता कर सकते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे, क्योंकि देखो बेटा जो कंपाउंड सी है और जो बाकी के कंपाउंड, उसमें एक फर्क मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। कंपाउंड सी के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, वो कहां पर प्रेजेंट है, वो टर्मिनल पोजिशन पर प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है बेटा, टर्मिनल पोजिशन पे, मतलब टर्मिनल पोजिशन बोले तो सर देखो बेटा, वन कंपाउंड कैसा है हमारा, CH3, सी ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ट्रिपल बॉन्ड अंदर है मॉलिक्यूल के, लास्ट कार्बन में नहीं है, इसलिए देखो टर्मिनल का अल्काइन नहीं है। सेकेंड देखो कैसे बेटा, CH3 CH2 CH2 CH3, नॉर्मल अल्किन, ये तो ऐसे डिफ्रेंशिएट कर जाओगे आराम से। ये देखो ये थर्ड वाला क्या है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक काम करता हूँ, इस H को ऐसा ना लिखते हुए मैं,
इसको थोड़ा प्यार से लिखता हूँ, थोड़ा इस तरीके से लिखता हूँ, क्यों आइए बता रहा हूँ। देखो ऑप्शन फोर दे रखा आपको, क्या एक टर्मिनल अल्किन दे रखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 जोड़ा। अब एक सब बात बच्चे जानते हैं कि सर जो टर्मिनल अल्काइन होता है उसके पास ये जो हाइड्रोजन होता है जो कि एक sp हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है, वो क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इतना बात समझना आती है आपको। अब ये ऐसा एसिडिक हाइड्रोजन है, और ऐसा एसिडिक हाइड्रोजन किसी के पास भी नहीं है, मतलब आप कोई ऐसी रिएक्शन करो जो कि एसिडिक हाइड्रोजन के वजह से होती है, तो क्या होगा कि ये पर्टिकुलर वाला तो भाई रिएक्शन शो कर देगा और बाकी रिएक्शन शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऑप्शन सी या ऑप्शन थर्ड जो है उसी के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। अब आपको वही ढूंढना है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से होती है। बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका यूज करते हैं बेटा, ये देखो आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसका यूज हम करते हैं बेटा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हम बोलते हैं टोलरेंस रिएजेंट। वो क्या होता है, उसके अंदर हमको मिलता है बेटा एक सिल्वर Ag+ मिलता है, ठीक। अब मेटल है तो मेटल क्या करता है बेटा, इसे H+ को रिमूव करके यहाँ पे क्या बनाता है, एक सिल्वर सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है बेटा, सिल्वर सॉल्ट। और ये सिल्वर सॉल्ट उसी के साथ बना सकता है जिसके पास क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन। और इन चारों के पास सिर्फ ये एक सा कंपाउंड है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये टेस्ट कौन देगा, थर्ड वाला देगा, और बाकी 1, 2 और 4 वाले नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। सिंपल बेटा। और क्या होगा बेटा, ये इस तरीके से यहां से एच निकल जाएगा, कार्बन नेगेटिव Ag पॉजिटिव, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ ये पर्टिकुलर कंपाउंड बन जाएगा। और सिल्वर सॉल्ट मेनली वो व्हाइट कलर भी होता है, येलोइश भी होता है, थोड़ा फेड कलर भी होता है, मतलब मेनली आप उसको व्हाइट पकड़ के चल सकते हो, ठीक। तो क्या होगा, जिसके बाद टर्मिनल अल्काइन है उसको अगर बाकी कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करना है तो आप क्या करो, सिंपली उसको Ag+ या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लिख दे, या फिर आप क्या करो, टोलरेंस रिएजेंट लिख दे, सबका मतलब क्या, एक वो Ag+ क्या करेगा, यहां से एच निकाल के Ag लगा देगा, मतलब वहां पे क्या बेटा, इस तरीके का सॉल्ट फॉर्म हो गया, ठीक। सिंपल, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन D। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, JEE में बहुत बार पूछ चुका है, एकदम रट लो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टर्मिनल अल्काइन को डिस्टिंग्विश कर सकता है बाकी अल्काइन से और अल्कीन से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 177 डन, अब 178 देखते हैं। क्या बोलते हैं, टू गैसेस PNQ बोथ डीकलराइज एक्वस ब्रोमीन बट ओनली वन ऑफ देम गिव्स व्हाइट PPD विद टोलरेंस रिएजेंट P and Q लाइकली टू बी। अब देखो बेटा बहुत सिंपल, ये क्या बोल रहा है कि सिर्फ एक टोलरेंस रिएजेंट के साथ कुछ रिएक्शन शो करता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं करता है। अब बताओ बेटा, अगर सिर्फ एक ही टोलरेंस रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि जो दो कंपाउंड है हमारे पास, जो दो कंपाउंड है उसमें से बस एक ही कंपाउंड के पास क्या होगा बेटा, उसमें से बस एक ही कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली देखूं तो बेटा ऑप्शन ए देखना, ऑप्शन ए में तो किसी एक के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, तो ऑप्शन ए में से कोई टोलरेंस के साथ रिएक्ट कर ही नहीं सकता, तो ये तो ऑप्शन ए क्या तेल नहीं। ऑप्शन बी में देखना बेटा, ये देखो ऑप्शन बी कैसा दे रखा है, CH CH और आपको एक और दे रखा है क्या, CH3 CH2 CH2 C CH। ये दे रखा है शायद से, ओके ये वाला कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला कम कर दो, ठीक। देखो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये भी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टोलरेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा, और ये भी देगा, क्योंकि इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन, इसके पास भी, पर स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इन दोनों में से कोई एक ही देना चाहिए, तो ऑप्शन बी भी काम गया तेल देने। ऑप्शन सी में देखो बेटा, ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, CH BH और साथ में दे रखा है CH3 CBH, इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये भी टेस्ट देगा, और इसके पास भी, तो ये भी टेस्ट देने वाला है, पर स्टेटमेंट बोलता है कि बस एक देना चाहिए, तो दोनों दे रहे हैं, तो गलत हो गया ऑप्शन सी। बस ऑप्शन डी है जो कि सही है हमारा, क्या, देखो बड़ा ऑप्शन डी में क्या है बेटा, CH3 CH2 C BH, और यहाँ पर बेटा CH3 C BH3। देखो बड़ा इनके पास है तो ये देने वाला अमोनिकल वाला टेस्ट, और ये वाला टोलरेंस वाला टेस्ट नहीं देगा। दोनों के पास अनसैचुरेशन है, मतलब दोनों के पास मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब क्या है, ये हमारा लिक्विड ब्रोमीन को क्या कर देंगे, डीकलराइज कर देंगे। डीकलराइज का मतलब सिंपल सा होता है कि जो ब्रोमीन है उसका एडिशन हो जाता है। ब्रोमीन का एडिशन कब होगा, जब मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, अनसैचुरेशन, मतलब कि सिंगल सॉरी डबल या ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल सी बात है, दोनों डीकलराइज करेंगे बट सिर्फ एक टोलरेंस के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसी के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास नहीं है। तो इसका आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। 178 डन, और 179 क्या बोलता है आपको भी बताता हूं। ओके बच्चों वाली रिएक्शन हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, पढ़ पढ़ के मैं थक गया। क्या बेटा, इसको बेटा इस रिएक्शन का बस एक की पॉइंट है
कि भाई साहब जो आपका बोरॉन है वो कहाँ अटैच होता है हाइड्रोबोरेशन है ना, उसमें कहाँ अटैच होता है, लेस हिंडर्ड कार्बन एटम पे, और जहां पे बोरॉन अटैच होता है वहीं पे आपको क्या लगाना पड़ा OH या फिर H, मतलब समझा दूंगा इस तरीके से आपको एक दे रखा है, यहाँ पे आपको ये इस तरीके से दे रखा है ठीक। एडिशन करा BH3 पे जो THF कुछ नहीं, सॉल्वेंट है ज्यादा ध्यान मत दो, देखो BH3 BH H और यहाँ पे H, ये क्या होता है बेटा एक लुईस एसिड होता है हैपोलैंड कंपाउंड में, 6 इलेक्ट्रॉन है सराउंडिंग में, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके खाली ऑर्बिटल में जाते हैं, फिर यहां से H नेगेटिव निकल के यहाँ अटैक मारता है। अब आप सोचो कि यार H यहीं पर अटैक क्यों कर रहा है, बोरॉन यहाँ पे क्यों चिपक रहा है, बताता हूँ सुन लो, ये ऐसा हो गया यहां पे हमने H लगा दिया और यहां पे हमने क्या लगा दिया BH2 लगा दिया। अब एक बात समझना हमेशा कि जो बोरॉन है कि हमेशा ये वाला BH2 ग्रुप आप हमेशा वहां लगाओगे जो कि क्या होगा लेस हिंडर्ड होगा, देखो ये वाला कार्बन 1 डिग्री का, ये वाला कार्बन 2 डिग्री का, तो ज्यादा लेस हिंडर्ड कौन है 1 डिग्री वाला, क्यों, क्योंकि देखो इसके पास में इतने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप है, तो जो बोरॉन है हमेशा कहां लगना चाहता है लेस हिंडर्ड, स्टेरिक रिपल्शन की वजह से भाई साहब यहां लग गए H2 डिग्री पर लग गया सिंपल, फिर इसकी रिएक्शन H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, बच्चा बच्चा अंदर की H2O2 और साथ में बेटा अगर OH नेगेटिव दे रखा है तो ये हमको क्या मिलता है ओवरऑल OH नेगेटिव, फिर ये OH नेगेटिव क्या करेगा जहां पे बोरोन अटैच है वहीं पर अटैक करेगा और सिंपली आपको इस तरीके से क्या होगा एक कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा दूसरे वाले कार्बन पे OH अटैच होगा। और एक पॉइंट हमेशा रखना कि दोनों का एडिशन कैसा होता है बेटा ये सिन एडिशन होता है ठीक, दोनों सेम साइड से एड होंगे, अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ रहा है तो दोनों वेज पे होने चाहिए या फिर दोनों डैश पे, एक वेज और एक डैश नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि एडिशन कौन सा टाइप का है सिन एडिशन है ठीक, सिंपल है बेटा। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा इसका, देखो ये कौन सा मैच कर रहा है किसके साथ मैच कर रहा है ऑप्शन बी के साथ, तो 179 डन, अब देखते हैं बेटा 180, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपको बस उनके की पॉइंट पता होने चाहिए कि अप्रोच कैसे करना है ठीक है, और बेटा कमेंट करके बताना ही बताना है कि कैसी वीडियोस लग रही हैं और आपको कौन से चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो चाहिए, बिकॉज ये कंप्लीट होने वाला है ठीक, तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, चैनल को थोड़ा ग्रो करवाओ ठीक है। अब आप देखो बेटा 180 में क्या दे रखा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन शुड बी चूजन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल टू प्रिपेयर 3-hexanone बाय हाइड्रेशन, बहुत सिंपल है, पहले देखते हैं 3-hexanone क्या मतलब, hexanone मतलब हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 2, 4, 6 1, 2, 3 मतलब तीसरे जगह पे ओन मतलब कीटोनिक ग्रुप है, तो बन गया हमारे क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 3-hexanone ठीक सिंपल, ये बनाना है हमको और बाय हाइड्रेशन। अब बहुत सिंपल बेटा हाइड्रेशन के आपको रिएक्शन पहले समझाता हूं मैं, देखो आपको डायरेक्टली मैं आपको एक रिएक्शन सीधे समझा देता हूं 1, 2, 3 ठीक, सपोज ये ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर एक अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो उसमें क्या कर दो आप सिंपली एक कार्बन के पास ये पाई बॉन्ड ब्रेक करो, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक कार्बन के पास H लगाओ दूसरे कार्बन के पास OH लगाओ, क्योंकि वाटर के किस फॉर्म में लिख सकते हैं H+ और OH नेगेटिव के फॉर्म में, तो अगर हम वाटर का एडिशन कर दे क्रॉस अनसैचुरेशन उसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रेशन। देखो वही करना है यहाँ पे, देखो सिंस ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है ना, तो हम तो किसी भी कार्बन पे क्या लगा सकते हैं, जो किसी भी कार्बन पे लगा सकते हैं OH लगा सकते हैं, तो बहुत सिंपल है क्या कर दो एक कार्बन पे लगा दो H और दूसरे कार्बन पे लगा दो क्या बेटा OH सिंपल। अब बच्चा बच्चा जानता है ये कौन सा फॉर्म है बेटा इन ऑल फॉर्म है, मतलब कि अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है, और ये क्या होता है बेटा ये होता है बेटा हाईली अनस्टेबल, क्या बेटा हाईली अनस्टेबल, और जब कोई चीज अनस्टेबल तो स्टेबल होने के लिए क्या करती है कुछ प्रोसेस करती है, वैसे ये क्या करता है बेटा ये करता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, मतलब इनॉल फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बेटा कीटो फॉर्म के अंदर, और ये फाइनली कंपाउंड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से डबल बॉन्ड ओ, देखो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ पे पॉजिटिव चार्ज उसको हटाने के लिए कार्बन नेगेटिव यहाँ से एच को उठा लेगा सिंपली वो कन्वर्ट होगा, मतलब इस तरीके से आपको क्या करना है डबल बॉन्ड पे जहां पे OH दिखा वही उस OH वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा तो आपको सिंपल उसका इनॉल का कीटो फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है ये हमारा प्रोडक्ट बन गया ठीक, ये हमारा बन गया, मतलब देखो बड़ा सिंपली अगर हम इस अल्काइन से चलते तो हमको ये मिलने वाला है, अगर आप OH यहाँ लगाते H यहाँ लगाते तभी देखो 1, 2, 3 थर्ड पोजिशन पे ओन ग्रुप आता 1, 2, 3 यहाँ पे भी ओन, मतलब की ये जो पर्टिकुलर हमारा रिएक्टेंट था जहां पे ट्रिपल बॉन्ड था ये मोस्ट यूजफुल है, मतलब की सबसे ज्यादा अच्छा है हमारा ऐसा रिएक्टेंट जो हमको हमेशा क्या देने वाला है 3-hexanone ऑन हाइड्रेशन ठीक, और हाइड्रेशन हमेशा किसके प्रेजेंस में हम करते हैं एसिड के प्रेजेंस, क्यों, क्योंकि नॉर्मल एडिशन करना वाटर का डिफिकल्ट होता है, तो H+ क्या करता है रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ठीक बेटा। आप नोट करो मैं देख लूँ कि ये सब फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा ठीक बेटा, तो इसका आंसर क्या बेटा ऑप्शन डी।
ओके अब 181 लिखते हैं। 181 क्या बोलते हैं कि जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करनी है। बच्चों वाली रिएक्शन में आपको यही करके दिखा देता हूं, कुछ नहीं करना है। सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच बी आर बी आर यहां पे बी आर और यहां पे बी आर, कुछ नहीं होता। जिंक डस्ट और साथ में आपको हीट दे रखा है, क्या दे रखा है हीट और साथ में जिंक डस्ट। जिंक डस्ट मतलब जिंक क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर मेटल है, हीट बॉन्ड तोड़ेगा। क्या मतलब कार्बन ब्रोमीन के सारे बॉन्ड आपको तोड़ने कैसे, होमोलिटिकली। देखो ये होमोलिटिकली ब्रेक कर दिया, होमोलिटिकली मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको एक इलेक्ट्रॉन इसको, उसको क्या होता है सिंगल हेडेड एरो या फिर फिक्स्ड हुक एरो, तो सिंगल तोड़ दिया तो कन्वर्ट हो जाएगा बड़ा किसके अंदर, बड़ा सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे रेडिकल यहाँ पे रेडिकल यहाँ पे रेडिकल यहाँ पे रेडिकल, देखो बड़ा यहाँ पे रेडिकल यहाँ से रेडिकल है यहाँ से रेडिकल है यहाँ से रेडिकल। अब इसको किसी और दूसरे एसी के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन मत करना, क्यों, क्योंकि रेडिकल्स के अंदर अगर मॉलिक्यूल के विदिन ही उसको कंबाइन होने की टेंडेंसी है तो किसी और से कंबाइन नहीं होगा। मतलब कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की रेट इंटरमोलिक्यूलर से क्या होती है फास्ट, तो सिंपली क्या हुआ ये इससे अटैच ये इससे अटैच, मतलब की कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया और ये हमारा बन गया क्या प्रोडक्ट बन गया। सिंपल है बेटा, ये क्या गया बेटा ऑप्शन सी। क्या याद रखना है कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की रेट इंटर से ज्यादा होती है, इस तरीके से कंबाइन करो आपका काम खत्म। और रिएक्शन को पहचानना कैसे बेटा, रिएक्शन को पहचानना आसान होता है, बस अगर आपको हीट दे मेटल दे तो क्या होता है रेडिकल रिएक्शन होती है। 181 डन। अब 182 क्या बोलता है, अमंग द फॉलोइंग अबाउट विच वन कैन नॉट डीकलराइज अल्कलाइन केमोल फॉर सोल्यूशन। बहुत सिंपल है बेटा, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जो KMnO4 बेटा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक बेटा। तो मतलब KMnO4 जिसके जिसको ऑक्सीडाइज कर जाएगा, मतलब जिसके साथ वो रिएक्शन शो कर जाएगा, वो क्या हो जाएगा KMnO4 का कलर फेड हो जाएगा। मतलब देखो अगर आपको एक चीज याद होगा, हम अपने जो कॉलेज वगैरह में जिन लोगों ने प्रैक्टिकल किए होंगे तो उन लोगों ने KMnO4 टेस्ट किया होगा, उसमें क्या होता था बेटा कि हम देखते थे कि ये कंपाउंड में सैचुरेशन है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करते थे, एक हम लोग डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ KMnO4 बना देते, उसको कंपाउंड में डालते थे, वो लाइट पिंक कलर का सोल्यूशन होता था, जैसे कंपाउंड में हमने ऐड किया उसका पिंक कलर चले गया, मतलब क्या कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट था, अनसैचुरेशन प्रेजेंट था, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से जब KMnO4 किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो मतलब कलरलेस हो जाएगा, मतलब पिंक से लाइट पिंक से कलरलेस हो जाएगा। अब एक बात समझो बेटा कि 182 के अंदर जो ऑप्शन ए दे रखा है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसका ऑक्सीडेशन कर देता है KMnO4, तो ये तो रिएक्ट कर रहा है बेटा। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में देखो बेटा क्या दे रखा है, CH3CH2OH अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होता है, अल्कोहल एल्डिहाइड में फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये वाला पर्टिकुलर कंपाउंड भी KMnO4 के साथ रिएक्ट कर सकता है। ऑप्शन सी देखो बेटा क्या दे रखा है, आपको एल्डिहाइड दे रखा है, अभी अभी बताया मैंने बेटा देखो क्या कि अल्कोहल एल्डिहाइड फिर एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन से, तो ये एल्डिहाइड है तो इसका भी KMnO4 ऑक्सीडेशन करके इसमें कन्वर्ट कर सकता है एसिड के अंदर। मतलब कि ये तीन ऑप्शन तो KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वेरस जो ऑप्शन डी है वो क्या आपके पास सिंपली एक इथेन का मॉलिक्यूल दे रखा है, और इथेन के अंदर बेटा ये जो कंपाउंड है इसके अंदर कोई सैचुरेशन नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, और ये KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है बेटा। तो ये हमारा इसको डीक्लोराइज नहीं कर पाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बेटा, ऑप्शन डी, ठीक। 182 डन। 183 देखते हैं क्या बोल रहा है कि पहले आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, उसको NaNH2 के साथ ट्रीट करवाओ, फिर आप उसको D2O+ के साथ ट्रीट करवाओ, फिर क्या करना है मुझे उसको, फिर H2PdBSO4 कौन सा रिडक्शन बोलते हैं इसको बेटा, हाँ वेरी गुड रोजनमंड रिडक्शन, देख लेते बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले आपको कुछ नहीं करना होता है, चुपचाप से जय माता दी बोलो और इस तरीके से चालू हो जाओ। देखो यहाँ पे H मतलब लिखना चाहिए क्या, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे बेटा जब KNH2 के साथ ट्रीट करोगे तो NH2 नेगेटिव यहां से क्या करेगा, H+ को उठाएगा, ये यहाँ पे कार्बेन बन जाएगा। तो ये तो भाई साहब क्या बन गया, इस तरीके से देखो रिंग बन गई यहाँ पे, ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव कार्बन बन गया, और यहाँ पे Na+ K+ कुछ भी, पर आप ये लगाना मत कुछ। फिर सेकंड स्टेप में देखो उसने क्या दे रखा आपको, D3O+ मतलब की D+ का सोर्स दे रखा है, कार्बन आयन जल्दी से बेस या एसिड एसिड बेस रिएक्शन होगी और कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर इस तरीके से, मतलब क्या हो गया सिंपली वहां से एच हटके वहां पे क्या लग गया, ड्यूटेरियम लग गया, ठीक, कार्बन आयन बना D+ लग गया खराब। फिर इसी का रिएक्शन वो करवा रहा है किसके साथ, D2 इन प्रेजेंस ऑफ PD इन प्रेजेंस ऑफ बेटा क्या BASO4, ठीक है बेटा। और हम सब जानते हैं क्या रोजनमंड रिडक्शन है, रोजनमंड रिडक्शन में क्या होता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और डबल से फर्दर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होता। अगर आपको पूरा डीपली देखना है किस तरीके से वर्क करता है
पूरे रिडक्शन की सीरीज चल रही है उसको फॉलो कर लो। ट्रस्ट में अगर आपने रिडक्शन की पूरी सीरीज देख ली, एक भी क्वेश्चन रिडक्शन ऑसिलेशन से आपका स्किप नहीं होगा जेईई नीट के अंदर, ठीक है। तो उसको फॉलोअप करो, कुछ नहीं है। डी टू पी डी बी एस एफ ये इसको पॉइजन कर देता तो सी एस सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड पर डबल बॉन्ड रिड्यूस करता है। क्या होगा, सिंपली यहां से बॉन्ड हटेगा, यहाँ पे एक डी लगेगा, यहाँ पे एक डी लगेगा। देखो ये क्या कौन सा कंपाउंड बन जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। कुछ नहीं, बहुत सिंपल रिएक्शन है। 183 डन। अब 184 देखते हैं आपके पास। अच्छा ये देखो बड़ा, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी रिएक्शन है, पर ऐसी रिएक्शन है जेईई और नीट वाले आपको कभी नीट में तो कभी जिंदगी में नहीं पूछेंगे, एडवांस में पूछ लिया तो पूछ लिया, बट मेंस और नीट के अंदर ऐसी रिएक्शन नहीं आएगी, ठीक है बेटा। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एक रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व है, ठीक। देखो रिएक्शन होती कैसे, मैं आपको डायरेक्टली रिएक्शन पढ़ाता हूँ। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे पी एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे क्या बी आर। डायरेक्टली बताता हूँ किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। एनए एनएच टू हमको देने वाले, एनएच टू नेगेटिव। देखो बड़ा ये बेस है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन उठाएगा, जो कि क्या भी है, वो कोई तो हाइड्रोजन दिख नहीं रहे, तो इसने सिंपली इसको उठाया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, यहाँ से ये बीआर बाहर निकल गया, किसके फॉर्म में, बीआर नेगेटिव के फॉर्म में, फिर वो एनए प्लस बीआर जो भी है साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। देखो क्या बन गया, पीएच सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच गए, ये पीएच। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे और ये जो पीएच का ग्रुप है ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि ये अच्छा मैग्नेटिक ग्रुप है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट बेटा पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड सी पी एच के, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक टाइप की रीअरेंजमेंट हो गई है, पीएच यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, ये एच गया, यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। ये कौन सा आंसर आ गया बेटा, ऑप्शन बी। सिंपल ना, बस सिंपल तो नहीं था, जो कि आपको पहले से आता है तभी आप कर सकते हो, वरना इसका एग्जाम में धन्यवाद चलेगा। पर ट्रस्ट मी, ऐसे रिएक्शन कभी नहीं पूछता, जेईई का पूरा पूरा हिस्ट्री उठा के देख लो, आज तक ऐसी रिएक्शन नहीं पूछी उसने, ठीक है बेटा। 185 में क्या बोला बेटा आपको, वो कि आपको एक अल्काइन दे रखा है, ठीक। उसका पहले आपको क्या करना है कि एस आई ए ट्वाइस बी एच। तो बेटा यहाँ पे जैसे आपको बोरॉन दिख रहा है, समझ में आना चाहिए क्या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रिएक्शन का लगा आपको बोल रहा हूँ, पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक। ये 1 डिग्री कार्बन, सॉरी ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले एक रिएजेंट के साथ ट्रीट करता हूँ, फिर दूसरे रिएजेंट के साथ ट्रीट करता हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि सेकंड वाला क्या देगा, सेकंड वाला एच जी प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बहुत सिंपल है बेटा, जब भी आपको एच जी प्लस टू इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 दे रखे, ठीक, आपको कुछ नहीं करना, आपको वॉटर का एडिशन करना है। देखो मैं बता रहा हूँ, एच जी यहाँ पे लग गया, वॉटर यहाँ पे लगेगा, ओ एच यहाँ पे, एच यहाँ पे, ठीक। तो ये आपको वॉटर का एडिशन करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल। कैसे, अभी बता रहा हूँ, एच जी यहाँ पे जाएगा, क्या बनाएगा, नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बनाएगा, इस तरीके से डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे इस तरीके से एच जी आ जाएगा, ठीक। फिर क्या होगा, सिर्फ नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन, तो क्या होगा यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव स्टेबल होगा, क्या फिनाइल रिंग है, तो क्या होगा यहाँ पे कार्बन स्टेबिलिटी ज्यादा, तो जो वाटर है बेटा, ये जो वाटर है यहाँ पे देखो H2SO4 लिखा है, इसका मतलब क्या, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब वाटर तो होगा ही, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल आके, देखो वाटर का मॉलिक्यूल आके यहाँ पे अटैक मारता है, यहाँ से निकल जाता है, तो सिंपली क्या होता है, पीएच सी यहाँ पे OH, और जहां पे एच जी लगता है वहां पे क्या लग जाता है, एक एच लग जाता है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड पे वो स्टेबल नहीं, मैंने पहले बता रखा है, क्या होगा बेटा, ये कीटो इनॉल ऑटोमेटिज्म कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री के, ठीक बेटा। तो ये तो प्रोडक्ट बन गया इसका। अगर आपको बेटा ये इस तरीके से देता है कि BH3 और साथ में H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, और देखो यहाँ पे जो रिएजेंट दे रखा है, ये रिएजेंट दोनों सेम है, बस क्या किया है यहाँ पे उसके दो हाइड्रोजन हटा के सिलिकॉन वाला कोई ग्रुप लगा दिया, क्यों, ताकि इसकी सिलेक्टिविटी बढ़ जाए, मतलब पहले से वो बेचारा लेस इंटरेस्ट पे जाता था, अब उसको और बल्की बना दिया, तो ये रिएजेंट जितना बल्की बनता जाएगा वो प्रिफर करेगा कि मैं लेस इंटरेस्ट कार्बन पे अटैक करूं। देखो बी यहाँ पे लगेगा, एच यहाँ पे लगेगा, अगर बी यहाँ पे लग रहा है बोल रहा हूँ तो यहाँ पे OH लगने वाला है, अगर यहाँ पे OH लगेगा तो क्या बनेगा बेटा, देखो पीएच सी एच डबल बॉन्ड सी एच ओ एच, ठीक है बेटा। अब एक याद रखो, देखो हाइड्रोजन यहाँ लगा, OH यहाँ लगा, मतलब ये कौन सा, मतलब ये रिएजेंट दे रखा है, मतलब क्या करना आपको, वॉटर का एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है, ठीक, सिंपल। तो क्या होगा बेटा, ये इस तरीके से आप इसको वो करवा दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पीएच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखो बेटा ये तो बन गया क्या अल्डिहाइड, और ये बन गया हमारा क्या कीटोन। तो उसने रिएक्शन में क्या पूछ रखा है कि बताओ क्या है, देखो पहला अल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है, जो कि क्या ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। तो सिंपली याद रखना कि ये मर्क्यूरी दिखा, H2SO4 दिखा एक्वस, तो वाटर का एडिशन का, तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन के हिसाब से मार्कोनिक एडिशन क्या बोलता है,
कि वाटर में से जो पॉजिटिव पार्ट है मतलब एच प्लस और ओ एच नेगेटिव, तो पॉजिटिव पार्ट तो उसको दो जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है हाइड्रोजन आइटम है, और नेगेटिव पार्ट अल्किन के उस कार्बन है अल्काइन के उस कार्बन को जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन जस्ट उल्टा, एच उसको दो जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं और ओ एच नेगेटिव उसको दे दो जिसके पास हाइड्रोजन है। ठीक, सिंपल सी रिएक्शन थी 185 से 180। तो इस टाइप की रिएक्शन आपके एग्जाम में आती है, वही मैं बोलूंगा कि आप इसको अच्छे से करके जाना। ठीक, 186 वापस से देखो, सी में आपको दे रखा है कि BH3। अब देखो इसके अंदर देखो एक रिएजेंट जो दे रखा है ना इन्होंने आपको, कि नॉर्मली क्या होता है कि बोरेशन के साथ उन लोग H2O2 और OH नेगेटिव देते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो सेकेंड रिएजेंट को चेंज करके वहां पे क्या लगा दिया है एसिटिक एसिड, और ये एसिटिक एसिड का रोल बहुत ज्यादा प्यारा है जिसको देख के आप थोड़ा सा शॉक में आ जाओगे कि यार ये तो सोचा ही नहीं था मैंने इस तरीके से भी होता है क्या। ठीक बेटा, अभी देख लेते मैं आपको पूरा रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ। CH3 CCH3 रिएक्शन करा दो बोरेन के साथ BH3 के साथ, सब जानते हैं देखो ये दोनों 2 डिग्री के, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं कहीं भी लगा दो, तो क्या करेंगे एक कार्बन पे लगा देंगे H और दूसरे कार्बन पे लगा देंगे क्या BHH और ये हमारा है CH3। सिंपल, अब देखो अब रिएक्शन अब एक्चुअल में रिएक्शन वर्क करेगी, साथ में क्या डाल रखा है एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड बना दो। ठीक है, अब क्या होता है देखो बोरॉन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फिर से बन गया, 3 ही बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग आइकोवेलेंट कंपाउंड ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहां पर। फिर एक कार्बन का जो देखो ये वाला बॉन्ड है ये इस तरीके से ब्रेक होता है, कार्बन का नेगेटिव चला जाता है, फिर कार्बन का नेगेटिव अनस्टेबल, तो यही जो कार्बन का नेगेटिव है वो अटैक करता है कहां पे इस एसिडिक हाइड्रोजन पे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं यहां पर। मतलब देखो ओवरऑल क्या हो रहा है कि ये सब बोरॉन को मिले पाई इलेक्ट्रॉन इसके, तो फिर जैसे ही बोरॉन पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या हुआ इसने पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया और कार्बन को दे दिया नेगेटिव चार्ज, फिर वो कार्बन नेगेटिव ने अटैक किया फटाक से इस एच प्लस को, क्योंकि एच एसिडिक हाइड्रोजन कार्बन का नेगेटिव बेस है, फिर ये बॉन्ड टूटा, फिर ये वाले को ओ नेगेटिव, फिर यहाँ पर वापस से आ गया, ये पर्टिकुलर कंपाउंड बन चुका है। और देखो सिंपली क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं तो इस BH2 को अटैक किया मुझे बस क्या लगाना है एच लगाना है, और हमेशा याद रखना कि ये जो BH2 जहां पे अटैच होगा वहीं पे एच लगाएंगे, मतलब कि सिन एडिशन करना है। तो इस तरीके से क्या होगा CH3 सी डबल बॉन्ड CH3 यहाँ पे ये एच जो पहले से था, ये जो एच जो कहां से आया एसिटिक एसिड में से आया, और ये हमारा बन गया ऑप्शन हमारा डी। तो कुछ नहीं करना आपको, याद होना चाहिए कि बस अगर आपको एक BH3 के साथ में अगर एसिटिक एसिड दे रखा है, ठीक है, तो हमको क्या करना है कि हम जैसे यहाँ पे H2O2 OH नेगेटिव बोले तो हम BH2 उठा के OH लगा देते हैं, अब हमको क्या करना है सीधा से BH2 हटा के यहाँ पे सिर्फ H लगाना है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। और ये दोनों H क्या होना चाहिए एक दूसरे के सेम साइड पे, मतलब सिन एडिशन होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारी सिस अल्किन बनेगी। ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि क्वाइट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ठीक है, जनरली देखने को नहीं मिलती है। अब 186 टन 187 विच इज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर, अगर आपने आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए, बिकॉज आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व है इसके अंदर। आपको पता होना चाहिए कि जो कंटिन्यूस डबल बॉन्ड आते हैं तो उसके वो प्लेन्स किस तरीके से होते हैं, मैं आपको ट्रिक देता हूँ उसे ट्रिक से आप आराम से कर सकते हो। ठीक बेटा, अब एक बात समझो, ऑप्शन जो ए है ये इस तरीके से दे रखा है आपको सी डबल सी डबल सी डबल ओ 1 2 3 4 है ना, 4 दे रखा है। फिर उसके बाद ऑप्शन सी दे रखा आपको सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ऑप्शन डी दे रखा आपको सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और ऑप्शन बी दे रखा आपको सी एच टू डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। एक नहीं बेटा, तो सिंपली हम क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेंगे कार्बन का, हमको पता चल जाएगा। बेटा एसपी ये भी एसपी है ये भी एसपी, क्योंकि दोनों के पास सबके पास दो दो सिग्मा बॉन्ड है। देखो ये भी एसपी ये भी एसपी ये भी एसपी हाइब्रिडाइज ये भी एसपी हाइब्रिडाइज ये भी एसपी और ये भी एसपी, पर ये बेटा ये क्या है एसपी टू, सिंपल बात है बेटा। देखो तो ये तो सारा एसपी, और हम सब जानते हैं कि एसपी क्या होता है बेटा लीनियर 180 डिग्री का एंगल होता है, वो कैसे होती है ज्योमेट्री उसकी लीनियर, तो ये लीनियर ये भी लीनियर ये भी लीनियर, पर देखो ये क्या होता है बेटा ये होता है हमारा ट्रायगोनल प्लेनर, पर उसने क्या बोला हमको कि हमको बताना लीनियर,
तो भाई साहब कौन लीनियर नहीं है, हमारा ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन डी लीनियर नहीं है, सॉरी ऑप्शन बी है, सॉरी ठीक ऑप्शन बी लीनियर नहीं है ये वाला, बाकी सारे के सारे क्या है लीनियर, क्योंकि सबके सब क्या है एसपी एवरेज है। सिंपल हाइड्रेशन फाइंड करना नहीं आता, मैंने वीडियो डाल रखी है हाउ टू फाइंड हाइड्रेशन कार्बन हाइड्रोकार्बन, ठीक है बहुत सिंपल सी वीडियो, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अगर आप बेसिक से देखना चाहते हो देख लो, क्वेश्चन उनकी बात नहीं है, ठीक है ऐसे क्वेश्चन मिस नहीं करने, फ्री के मार्क्स हैं, लूट के लेके आने, ठीक है बड़ा 187 डन 188 देखते हैं। क्या बोलता है, विच द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपाइन एंड प्रोपीन। देखो बड़ा अगर हमने आपने पहले की जितनी भी मैंने आपको नॉलेज दी है अगर आप इसी वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आप अपने से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है बड़ा बहुत सिंपल है। आपको क्या पूछ रहा है कि प्रोपाइन और प्रोपीन के अंदर बताओ किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। देखो प्रोपाइन बना लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक प्रोपीन बना लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो बड़ा ये तो क्या होता है, ये होता है एसिडिक हाइड्रोजन, है ना बहुत सिंपल है, और इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब ऐसी रिएक्शन करो जो एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से हो, तो ये तो रिएक्शन शो करेगा और ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो जो रिएक्शन शो करेगा उनको बोलते हैं वो प्रोपाइन है, जो नहीं शो करेगा वो प्रोपीन है। तो बहुत सिंपल बेटा, कौन सा बीपी मैंने आपको बताया कि कौन सा एजी प्लस वाला, मतलब कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो कि क्या है बेटा AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या फिर इसको हम टॉयलेट रिएजेंट भी बोलते हैं। सिंपल, तो ये कौन सा ऑप्शन बेटा, ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में जो बड़ा ये वाला तो रिएक्ट कर लेगा और ये भाई साहब रिएक्ट नहीं कर पाया, और इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, सिर्फ इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, क्यों, क्योंकि ये एसपी हाइब्रिड कार्बन से अटैच है, एसपी का मतलब परसेंटेज स्क्वायर पर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए हाइड्रोजन क्या हो जाता है एसिडिक हाइड्रोजन, इतना आपको पता ही होगा। ठीक 188 डन, अब 189 देखते हैं क्या बोलता है कि विच अल्काइन गिव्स 3-ethylhexane ऑन कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन। अब देखो एक बात समझो, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन बोला इसने, और इसने हमको क्या ये नहीं बोला कि हाइड्रोजन उनको कितना यूज करना है, मतलब कि एंडलेस, मतलब जितना है जितना यूज करना है कर लो, हम कहते हैं सबको रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए देखो बेटा, इस तरीके से दे रखा है इसने, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, रिड्यूस करोगे तो डबल में कन्वर्ट होगा, फिर डबल से वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 1 2 3 3 इथाइल बोल रहा है ना, एक सेकेंड 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ई का दिक्कत हो रही है। अच्छा ये एक्सटेंडेड है इस तरीके से ये, ठीक वो टर्मिनल नहीं है, ये मिडल में दे रखा हूं डबल बॉन्ड, देखो रिड्यूस मारो, देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, तो ये इस तरीके से बन जाएगा क्योंकि ये ओवरऑल हल्का इस तरीके से होगी, एक कार्बन और है वहां पे, ठीक तो यहां से हट गया, यहां से हट गया, तो 3-ethyl क्या बन गया बड़ा, हेक्सेन बन गया कि बन गया, एक कितना दे रखा है इन्होंने हेक्सेन ना, तो 1 2 3 4 5 6 तो ये 3-ethyl हेक्सेन में कन्वर्ट होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा बॉन्ड बराबर बनाएंगे इससे दिख नहीं रहा है कि वो इस तरीके से उन्होंने दे रखा है, ठीक है वो स्ट्रक्चर ओवरऑल ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, तो हमको क्लियरली दिखेगी यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है वो स्ट्रक्चर छोटा था तो मुझे लगा शायद से यहाँ पे हाइड्रोजन है, पर ऐसा नहीं है, वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक तो ये देगा हमको क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड को हटाओ, इस बॉन्ड को हटाओ, ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन, इथाइल ग्रुप है, ठीक ऑप्शन ए तो दे रहा है अपने को। ऑप्शन बी देखो बेटा किस तरीके से, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा ट्रिपल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे इन्होंने इथाइल दिया, सिंपल हाइड्रोजनेशन, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, एक बॉन्ड बॉन्ड हटा के वापस से डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, फिर वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, तो बड़ा 1 2 3 3 इथाइल 2 1 2 3 4 5 6 ये भी 3-ethyl साइक्लोहेक्सेन बन गया। ऑप्शन सी देखो बेटा, ठीक इसका रिएक्शन करो, ट्रिपल से डबल बनेगा, डबल से सिंगल बनेगा, 1 2 3 3 इथाइल 1 2 3 4 5 कितना बड़ा, 1 2 3 4 5 एक दो और देखो तो 1 2 3 4 5 एक काम करो यहाँ पे और एक्स्ट्रा लगा लो, क्योंकि इनके हिसाब से जो कि मल्टीपल चॉइस बना लिया क्वेश्चन का, ए और बी करेक्ट है, ठीक है मल्टीपल चॉइस बना लो, या तो क्या करो यहाँ पे एक ग्रुप और लगा लो, एक मिथाइल ग्रुप, और सी को भी बनाओ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्या, ऑल ऑफ दिस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब आप लोग श्योर हो किसी चीज को लेकर तो क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेगा, जेई का क्वेश्चन थोड़ा है, जेई में होगा तो आपको बोनस मिल जाएगा, सिंपल है, ठीक है तो 1 2 3 4 5 6 अब हो गए 3-methyl cyclohexane, सॉरी हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन, ठीक बेटा अब तो क्या होगा बेटा, या तो मल्टीपल बना दो उसको, यहाँ पे ये नहीं बनाओगे तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, अगर यहाँ पे आपने ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया तो एबीसी तीनों करेक्ट, मतलब डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है बेटा 189 डन
190। देखो बेटा इस बुक में कुछ कुछ क्वेश्चन गलत है, तो क्या करेंगे हम उस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दो सारा, है ना। तो अपने को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे बिना बात के टेंशन लेके भी बैठ जाएंगे, क्योंकि क्या बेटा देखो इंसानी बुक बनाता है और इंसान से गलती हो सकती है, या तो पता चले जो प्रिंट कर रहा है या फिर जो टाइप कर रहा है उससे गलती हो जाए, ठीक, ज्यादा टेंशन लेना नहीं। 190, विच रिएक्शन इज द मेजर प्रोडक्ट शोन बिलो, बहुत सिंपल है। देखो बेटा अगर हम ऑप्शन ए के अंदर वाटर का एडिशन करें तो बड़ा क्या बनता है, हमको जानते हो कि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हम वाटर का एडिशन करते हैं तो क्या होता है बेटा, पहले HOH लगता है इस तरीके से, एक जगह पे H लगा दो, एक जगह OH, डबल बॉन्ड पे OH स्टेबल नहीं, तो क्या होगा सिंपली वो एक इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। पर ऑप्शन ए में अल्कोहल दे रखा है तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी, हम सब जानते हैं कि अगर एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर अगर हम दो बार HBr का एडिशन करते हैं तो क्या बनता है बेटा, जेमिनल डायहैलाइड बनता, मतलब कि सेम कार्बन पे दो बार ब्रोमीन लग जाएगा और दूसरे वाले कार्बन पे दो बार ऐसे लगेगा। बट ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन सी भी गलत दे रखा है इन्होंने। ऑप्शन डी देख लो, दो क्लोरीन डाला CH2Cl2, मतलब कि आपको और दो क्लोरीन लगाने थे यहाँ पे, पर इन्होंने सिर्फ एक ही क्लोरीन का एडिशन किया, तो ऑप्शन बी सही है। बट ऑप्शन बी में भी जो इन्होंने प्रोडक्ट दे रखा है वो एक्चुअली में थोड़ा गलत प्रोडक्ट है, जो करेक्ट प्रोडक्ट है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक। ऑप्शन बी की रिएक्शन सही है बट उन्होंने प्रोडक्ट गलत बना रखा, थोड़ा हल्का सा गलत बना रखा, कुछ नहीं, वही वापस से देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इस तरीके से दे रखा है, ठीक। क्या होगा पहले, एक तरफ से Hg+, ठीक आएगा, क्या होगा इस तरीके से नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन बनेगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे OH क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोडाइन होगा वो यहाँ पे क्या होगा इस ग्रुप की वजह से वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो सिंपली क्या होगा इस तरीके से देखो बेटा, यहाँ पे एक कार्बन, फिर यहाँ पे एक OH लगा दो डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो और ये CH3, ये वाला कार्बन ये, ये वाला कार्बन ये, ठीक। फिर इसका क्या करेंगे, कीटोइनोल बना दो आप इस तरीके से, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड को CH2CH3, ये ऐसा कंपाउंड बनना चाहिए, उन्होंने ये वाला मिस कर दिया, ये वाला कार्बन यहाँ पे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन डी सही है, उसको थोड़ा चेंज कर लो, कार्बोनिल ग्रुप को एक थोड़ा सा कार्बन पीछे की तरफ खींच लो, ठीक है, ये सिंपल सा एडिशन हो गया। तो बेटा 190 डन हो गए, अब इसके बाद और देखेंगे, आप नीचे कमेंट करके बताइए मुझे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आपको चाहिए, और बेटा कमेंट तो करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है बेटा, जय केमिस्ट्री।